हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैनेस लॉडेड पर आज हम पढ़ेंगे स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेक्शन 50 में इसे डिफाइन किया गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स हैं पहले पढ़ लेते हैं फिर हम सेक्शन 50 पढ़ेंगे देखते वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर टू अ कैरियर और अदर बेलीव फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर हु हैज़ बिकम इन द बायर में स्टॉप द गुड्स एज लॉन्ग एज दे आर इन ट्रांजिट जहाँ पर सेलर बायर को ट्रांसमिट कर देता है गुड्स या तो किसी कैरियर के द्वारा या किसी बायर के बेली के द्वारा तो सेलर के पास ये राइट right होता है कि वो गुड्स को रोक सकता है एज लॉन्ग एज वे वहाँ पर मतलब किसी भी जैसे सेलर ने बायर को डिलीवर किया तो उस रास्ते में वो रोक सकता है सेलर बायर बायर के पास रोकने से जाने से रोक सकता है गुड्स को सेकेंड पॉइंट दिस इज वन ऑफ द मैथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द अनपेड सेलो अगेंस्ट द रिस्क ऑफ हिज गुड्स गोइंग टू द पोजेशन ऑफ एन इंसॉलमेंट एक मैथड है इंसॉलमेंट के पोजेशन में जाने से रोकने के लिए अनपेड सेल लोड रीडिंग सेड इट इज अ राइट फाउंडेड अपॉन द प्लेन रीजन डेट वन मैंस गुड्स शैल नॉट बी अप्लाईड टू द पेमेंट ऑफ अनदर मैं डेप्टे लोड रीडिंग ने कहा था According to Chalmer's sales of goods, the Court look with great favour on the right of stoppage in transit on account of its intrinsic justice. Is my requirements of stoppage in transit may section fifty here. Subject to the provisions of this Act, when the buyer of goods becomes insolvent, the unpaid seller who has parted with the possession of the goods has the right of stopping them in transit जहाँ पर जो seller buyer होता है वो insolvent हो जाता है तो जो unpaid seller है जब तक कि उसका payment नहीं मिल जाता है तो उसके पास ये right होता है कि वो goods का possession अपने पास रख सकता है That is to say, he may resume possession of the goods as long as are एज लॉन्ग एज दे आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट एंड मे रिटेन दैम अनटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस वो अपने पास रख सकता है जब उसे बीच में कहीं भी रोक सकता है और उनका पोजिशन अपने पास रख सकता है जब तक कि उसे पेमेंट नहीं मिल जाता है ओके okay, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज डेट द सेलर शुड भी अनपेड अनपेड होनी चाहिए सेलर जब ये राइट उसका यूज में आएगा द बायर शुड हैव बिकम इंस्टॉलमेंट बायर जो है इंस्टॉलमेंट होना चाहिए थर्ड डेट द पार्टी

If he holds them as an agent for the buyer, there is no transit because the buyer has acquired possession, which puts an end to the seller's right against the goods. jahan पर जो buyer का seller, जो buyer का एजेंट होता है वहाँ उसे पोजेशन दिया जाता है तो सेलर्स का वहाँ पर कोई लाइन नहीं, नहीं रह जाता है क्योंकि जो अगर अगर आपने बायर को सप्लाई कर बायर के एजेंट को सप्लाई कर दिया है तो वो ये माना जाता है कि आपने बायर को सप्लाई कर दिया है तो वहाँ पर इनपेड सेलर का कोई भी राइट right नहीं होगा इट इज ओनली वेन ही होल्ड द गुड्स एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर ये सिर्फ जब ही होगा जब वह एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर के रूप में गुड्स को होल्ड करेगा दैट इज इन हिज ओन राइट एज अ कैरियर और डेली दैट देयर इज ट्रांजिट इन लो एंड इज क्वेश्चन ऑफ स्टोपियज इन ट्रांजिट वहां पर सैलर अनपेड सैलर जो है वो ट्रांजिट को रोक सकता है द इसेंशियल फीचर ऑफ अ स्टॉपेज इन ट्रांसिट इज दैट द गुड शुड भी इन द प्रोजेशन ऑफ अडलमैन के प्रोजेशन में होनी चाहिए और सम पर्सन इंटरवेनिंग बिटवीन देंटर हु परचेजर रिसीव्डेसर जहां पर उसने अभी तक उसे रिसीव नहीं करा है इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन फिफ्टी वन कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ ट्रांसिट यहां इस वीडियो में इतना ही आई होप आप सबको कुछ समझ में आया होगा कुछ सीखने को मिला होगा मेरी इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टाटा बाय बाय